साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं। रुचि, आज जिस तरह से एक के बाद एक राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर एक दबाव बना है, जिसके मद्देनजर अब वो बयान दे रहे हैं, लेकिन बयान भी उनके ऐसे हैं कि अपने नेता को ज्यादा बचाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम तो इसलिए आ रहा है कि क्योंकि जो आरोपी है गैंग रेप कांड का, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है, जब समाजवादी पार्टी के नेता पे इस तरह का आरोप लगा है तो सपा पर हमले तो होंगे ही, और खास तौर से लोकसभा चुनाव के जिस तरह के नतीजे आए, ओबीसी वोट के जरिए अखिलेश यादव ने इतनी सीट्स हासिल की, उसके बाद एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाए, गैंगरेप हो जाए, उसको छुपाया जाए, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। अब ये कहना कि डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, ये सब तो पुलिस का काम है कि पुलिस जांच करेगी सारे मामले की, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप समाजवादी पार्टी में बात करेंगे तो उनका कहना यही है कि जो भी कार्रवाई, जो भी एक्शन लेना होगा वो अखिलेश यादव लेंगे, जो आरोपी नेता है सपा का। तो जाहिर है कि पार्लियामेंट भी चल रही है, यहाँ पर अयोध्या में फैजाबाद, आज तो बीजेपी का डेलीगेशन भी जा रहा है, और बीजेपी का डेलीगेशन जब मुलाकात करेगा तो इस मामले में और ज्यादा अब हमले देखने को मिलेंगे समाजवादी पार्टी के ऊपर। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बीजेपी का डेलीगेशन जाएगा, ये दिन भर अयोध्या में रहेगा, जो बच्ची है, जो रेप पीड़िता है, उससे भी मुलाकात अस्पताल में करेगा, परिवार वालों से भी मिलेगा, प्रशासन से मिलेगा, पुलिस से पता करेगा, डीएम से पता करेगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई, ये भी पता करेगा कि जो आरोपी सपा का नेता है उसके ऊपर क्या पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, छवि कैसी है, तो पूरी एक डिटेल रिपोर्ट ये तैयार करेगा। और इसमें क्योंकि जो ओबीसी मोर्चा है यूपी का, उसके अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, और बाबूराम निषाद जो एमपी हैं, उनकी टीम जा रही है ये पूरी रिपोर्ट तैयार करके। ऐसा कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसने पूरा डिटेल इसका मांगा है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसके पहले किस तरह का इतिहास था, तो ये पूरा डिटेल केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कि किस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ ये शर्मनाक घटना हुई है। जाहिर सी बात है, और आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही जिस तरह से मायावती ने योगी आदित्यनाथ के कदम को इस पूरे मामले में सही ठहराया है, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर एक राजनीतिक दबाव डालता है। अखिलेश यादव ने जो लाइन पकड़ी है, अब पूरी समाजवादी पार्टी उसी लाइन पर चल रही है। मोहित खान के करीबी और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी अखिलेश के रास्ते पर चल पड़े हैं। वो पीड़ित के लिए न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन अखिलेश के डीएनए वाली बात को आगे बढ़ाते हुए आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया ना जाए, और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अब अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान के बाद यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है, बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी? ये आश्वस्त किया है कि सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा, जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बात जाहिर है कि उसमें जो लोग इस घटना के में जिन लोगों के हाथ हैं उसमें से कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी रहे हैं और उनका संरक्षण प्राप्त है, तो इस नाते समाजवादी पार्टी इस पर चुप है, मौन है। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से सारे तथ्य को वहाँ पर रख दिए हैं और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
अयोध्या गैंग रेप केस में सीएम योगी के बड़े एक्शन की बात हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइन लेंथ बिल्कुल क्लियर है, जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे योगी का प्रहार सहना होगा, चाहे वो लखनऊ के गोमती नगर में बदसलूकी का मामला हो या अयोध्या में एक ओबीसी नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला हो। सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है, अयोध्या गैंगरेप कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना के एसएचओ रतन शर्मा को, भद्रासा के चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर गैंगरेप की जांच में देरी करने का आरोप लगा है। साथ ही गैंगरेप के आरोपी और समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान के पक्ष में पीड़िता पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। दूसरी ओर गैंगरेप के मुख्य आरोपी और समाजवादी पार्टी के लीडर मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। मोहित खान के बेकरी शॉप में छापेमारी हो रही है, बेकरी शॉप में रखे सामानों की जांच की जा रही है। फूड एंड सप्लाई विभाग इस बात की जांच कर रही है कि उसमें जो खाने का सामान रखा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो वहीं पर एसडीएम के नेतृत्व में मोहित खान की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है, उसके जमीन की पैमाइश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जे के जो आरोप लगाए हैं उसकी भी जांच हो रही है, ताकि उस पर बुलडोजर चलाया जा सके। आपको बता दें, मोहित खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के काफी करीबी और उनका राइट हैंड माना जाते हैं, और समाजवादी पार्टी का भद्रासा नगर अध्यक्ष भी है, और उस पर 12 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप लगा है, फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा है। अब रेप पीड़िता की मां ने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। पीड़िता की मां ने सीएम से अपनी आपबीती बताई, उन पुलिस वालों की भी शिकायत की थी जिसने पीड़िता की फरियाद नहीं सुनी, उनके कंप्लेन को दर्ज नहीं किया, और पीड़िता ने भद्रासा की चौकी इंचार्ज और पूरा कलंदर थाने के प्रभारी को शिकायत के बाद मुकदमे के दौरान जब पूरी कार्रवाई हो रही थी तो उन्हें हटाया गया। और कहीं ना कहीं जो एसएचओ है रतन शर्मा, इनके ऊपर क्या आरोप लगे आपको बताएंगे, क्यों इन पर गाज गिरी है। रतन शर्मा एसएचओ पूर्व कलंदर थाना सस्पेंड कर दिए गए हैं, अखिलेश गुप्ता चौकी इंचार्ज भद्रासा पुलिस चौकी सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि जब पीड़िता इनके पास गई थी तो उनको इंसाफ नहीं मिला, उनकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि बताया जा रहा है कि दबाव बनाया गया पीड़िता के ऊपर, परिवार के ऊपर, कि वो इस केस में आगे ना बढ़े और शिकायत वापस ले लें। और पूरा कलंदर थाने के एसएचओ और भद्रासा पुलिस के चौकी इंचार्ज पर एक्शन की वजह क्या है, लोगों ने पीड़िता की दबा जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश की थी। अब वजह बता रहे हैं आपको, पहली वजह क्या है, गैंगरेप में फॉरन एक्शन नहीं लिया गया पुलिस इन अधिकारियों की ओर से। वजह नंबर दो, एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, जिस वक्त परिवार पहुंचा था उनकी गुहार नहीं सुनी गई। वजह नंबर तीन, नौकर को आरोपी बनाने के लिए दबाव बनाया गया था, किसकी ओर से, पुलिस की ओर से, जो नहीं चाहते थे कि मोहित खान के खिलाफ केस बने। वजह नंबर चार, चौकी इंचार्ज ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की, शिकायत लेकर जब परिवार गया तो उनकी शिकायत को अनदेखी की गई। वजह नंबर पांच, मोहित खान को बचाने की कोशिश की जा रही थी। यार आपको पता है ये वजह क्यों निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि मोहित खान के घर पर ही चौकी चल रहा था, चौकी जो मौजूद था वो मोहित खान के प्रॉपर्टी में था। यह भी एक बड़े वजह रही है कि पुलिस के साथ अच्छी साठगांठ थी इस व्यक्ति की, उसका एक दबदबा था इलाके में जिसकी वजह से लोग डरते भी थे। और मोहित खान को किस तरह से बचाने की जो पूरी कोशिश हुई थी, कवायद हुई थी, वो खुलकर निकलकर सामने आ गई जब पीड़िता खुद सीएम योगी से मिली और सीएम योगी ने उनकी आपबीती सुनी और उसके बाद सीधा एक्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने काला चिट्ठा खोलकर रख दिया था पुलिस की ओर से जो हुआ इस पूरे मामले में। तो समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के ऊपर आरोप लगा एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का, ब्लैकमेल करने का, और पुलिस वालों ने उनके साथ दिया, जिस पुलिस वाले ने साथ दिया उसकी छुट्टी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को आश्वस्त किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता को 100% न्याय दिलाएगी, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर न्याय दिलाने का काम हो रहा है। और इसके साथ साथ माननीय महाराज जी ने यह भी आश्वस्त किया कि पीड़िता परिवार को आर्थिक सहायता की भी जरूरत होगी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, और इस सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, तो निश्चित ही हमारी विधानसभा भी इसको न्याय मिला है, आगे भी मिलता रहेगा।
अब न्याय मिलेगा ही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मुद्दे पर अब अपनी नजर बनाए रखी है और जैसे ही उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी लीडर मोहित खान की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। प्रॉपर्टी की जांच शुरू हो गई है, जमीन की पैमाइश हो रही है, जमीन के अवैध कब्जे की भी जांच हो रही है। तो प्रॉपर्टी की जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार मोहित खान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहां कहां पर उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उसके तहत अब कार्रवाई होगी। जमीन की पैमाइश की जा रही है क्योंकि आरोप लगा है कि अवैध कब्जा करके कई जमीन मोहित खान ने हड़प लिए हैं। लोगों ने जो शिकायत की थी उस पर अब तक कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि रसूख था इस व्यक्ति का। मुख्य आरोपी मोहित खान के संपत्ति की इस वजह से जांच की जा रही है। राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है। आरोप लगाया कि मोहित द्वारा तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया है। अब तालाब की जमीन पर जो कब्जा हुआ है उसे भी हटाना होगा। कल एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की जो टीम है वो पहुंची भद्रसा और मोहित खान के जमीन की पैमाइश शुरू की गई और उसकी नापी गई जमीन पर अब आगे कार्रवाई होगी। तो मोहित खान ना सिर्फ एक रेप का आरोपी है बल्कि अवैध कब्जा करने वाला एक तरह से जमीन का या भूमि माफिया भी है। और इस बीच मोहित खान की मददगारों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहित खान के दो मददगार मोहम्मद राशिद, जो भद्रसा नगर पंचायत के चेयरमैन हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और दूसरे जयसिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अयोध्या जिला अस्पताल में जाकर रात को 11 बजे पीड़ित से मुलाकात की और उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, धमकी दी। मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा, ये दो ऐसे नाम हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया। इसके अलावा एक और अज्ञात महिला जिला अस्पताल जाकर पीड़िता से मिली थी और धमकी दी थी कि वो मोहित खान के खिलाफ केस वापस ले ले। अब कौन मददगार हैं? एसपी नेता मोहम्मद राशिद, चेयरमैन भद्रसा नगर पंचायत, ये वो व्यक्ति हैं पार्टी, ये भी मोहित खान के करीबी हैं, दोस्त हैं, और इन दोनों ने मिलकर कोशिश की कि पीड़िता किसी तरह से इस केस को वापस ले ले। अस्पताल जाकर मुलाकात करते हैं और धमकाते हैं परिवार को। मुश्किल में जो मोहित खान है उसके मददगार अब किस तरह से बच नहीं सकते हैं। अयोध्या कोतवाली में केस वापस लेने के लिए दबाव तक बनाया था और एसपी लीडर मोहम्मद राशिद और जयसिंह राणा, ये उनके नाम है जो मोहित के साथ जुड़े थे और प्रीता पर मोहित से सुलह करने के लिए दबाव बना रहे थे, सुलह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी तक दी थी। एक गरीब परिवार जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, लेकिन जो पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता है उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, पुलिस भी मददगार नहीं होती है। और ऐसे में जब ये बातें निकलकर सामने आए, और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जिनसे प्रीता की मां ने मुलाकात करके ये सारी बातें खोल दी, जिसके बाद अब एक्शन हो रहा है और इन गुनहगारों को अब शिकंजे में लिया जा रहा है। अयोध्या गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का लीडर है और पार्टी ने उसे भद्रसा नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप रखी है, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं लिया गया है। इसे लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना, अपराधियों को संरक्षण देना है। भाजपा का संगठन और सरकार दोनों मजबूत और अभेद हैं। कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, मुंगरी लाल के सपने देखो, परंतु यह हकीकत भी कभी नहीं बदलेगा कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और क्या क्या हो रहा है जमीन पर इस वक्त? अमित, देखिए इस पूरे मामले में जो एक्शन है, एक्शन की शुरुआत लगातार हो चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मामले का संज्ञान लिया बल्कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अफसरों को भी लताड़ लगाई और कहा कि जिस तरीके से पीड़िता ने शिकायत की थी मामला तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन उसमें देरी हुई और उसके बाद न सिर्फ जो मोहित खान है मुख्य आरोपी उसकी गिरफ्तारी हुई है बल्कि उसके नौकर राजू खान की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मोहित के जो मददगार लोग हैं जिसका भी आपने जिक्र किया राशिद खान नगर पंचायत के अध्यक्ष है भदरसा के उनकी ऊपर भी FIR दर्ज हुई है और साथ ही एक और है जय सिंह राणा जो कि समाजवादी पार्टी का लीडर है दोनों के ऊपर यह आरोप है कि पीड़िता के परिवार को जाकर के महिला जिला अस्पताल में धमकाया गया है और उसके बाद जो पूरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि न सिर्फ नजूल की जमीन पर बल्कि शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जमीनों को भी हथियाया गया था कब्जा किया गया था गलत तरीके से उस पर अवैध निर्माण किए गए थे कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। इन सारी चीजों की पैमाइश की जा रही है सारी चीजों की धरपकड़ की जा रही है। पैमाइश जो है वो राजस्व की टीम कर रही है जिसमें SDM सरीखे सीनियर अफसर और लेखपाल सरीखे जो लोग हैं वो भी शामिल किए गए हैं और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम साफ कर दिया है कि आरोपी कोई भी हो कितना भी प्रभावशाली लेकिन विशाल समाजवादी पार्टी बिल्कुल चुप है। अवधेश प्रसाद भी कुछ नहीं कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं मैं अयोध्या जाऊंगा फैजाबाद जाऊंगा तब जाके कुछ कहूंगा। देखिए अमित समझा जा सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसे समय में बोलना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोहित खान की बहुत खास फोटो है अवधेश प्रसाद के साथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा करके फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट से सांसद हुए हैं। उनसे आप उत्तर प्रदेश के मामलों में बात कर लीजिए देश के किसी मामलों में बात कर लीजिए वो सब पे बात कर लेते हैं लेकिन जब अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की बात होती है उसमें उनके ही एक खास आदमी का नाम सामने आता है आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो अवधेश प्रसाद ने फिलहाल अभी तक इस मामले में जानकारी नहीं ली है और वो कहते हैं कि अयोध्या आएंगे यहाँ के आने के बाद जानकारी लेंगे उसके बाद ही मीडिया से कोई बात करेंगे। तो समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है क्योंकि वहां का नगर अध्यक्ष इस तरीके के संगीन आरोप में गिरफ्तार होकर के जेल भेजा जा चुका है। बिल्कुल लेकिन जनता तो यही उम्मीद करती है कि जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता संसद में कई मुद्दों को उठाते हैं तो ऐसे में एक ऐसा मुद्दा जो सामने आया है जो उनके पार्टी किसी नेता से जुड़ा हुआ है तो वो चुप क्यों है इसके ऊपर जवाब तो बनता है।